खबर आई आज फिर से वहां पे हमला हुआ जिसमें दो जवान शहीद हुए हैं, दो सिविलियंस की भी जाने गई। लगातार इस तरह के जो हमले हैं इससे विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। देखिए प्रधानमंत्री जी अभी ब्रिक्स की मीटिंग में दुनिया के सभी महत्वपूर्ण नेताओं से मिले हैं और चीन को लेकर भी खबरें आई थी और इधर हमारी सीमा आज से असुरक्षित नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई और असुरक्षित हो गई है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोग, आर्मी के लोग बड़े पैमाने पर शहीद हो रहे हैं, उनकी जाने गई हैं। और अगर हम आंकड़े निकालेंगे तो सबसे ज्यादा फेलियर कश्मीर इशू पर, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पर और इंटरनल सिक्योरिटी पर अगर कोई फेल हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंटरनल सिक्योरिटी में फेल है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी में फेल है, हमारे जो संबंध दुनिया में देशों से होते हैं उसमें फेल हुई है सरकार हमारी। तो ये फेल सरकार को हटाने से ही हमारी सीमाएं सुरक्षित होंगी, तभी हमारे जवानों की जान बचेगी जब ये सरकार देश से हटेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कहना है कि वहां पर हिंदी थोपा जा रहा है, कुछ लोगों का प्रयास है क्या वहां हिंदी थोपने का और वो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए आज हिंदी, अंग्रेजी या भारतीय भाषाओं की बहस की जरूरत नहीं है। भारतीय भाषाएं आगे बढ़ें, उनका सम्मान हो, उनका संवर्धन हो, उसके पक्ष में हमेशा समाजवादी रहे। भारतीय भाषाएं जो भी हैं उनका संवर्धन हो, उनको और आगे बढ़ने का मौका मिले, उन भाषाओं का सम्मान हो, उसके पक्ष में हमेशा समाजवादी लोग रहे हैं। महाराष्ट्र का क्या सीट इक्वेशन क्या? महाराष्ट्र में बीजेपी हारने जा रही है, बीजेपी का गठबंधन हारने जा रहा है, एक महाहार होने जा रही है बीजेपी गठबंधन की। एक माहौल बनाया जा रहा है कटोगे बटोगे के नारे के साथ जो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है, जगह जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, क्या लगता है क्या प्रभाव डालने वाला नारा है या? ये जब बीजेपी पे बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी, आरक्षण, संविधान पे जब जवाब नहीं होता है तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। और देखिए उनकी जो लैब है, अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी वो लैब कहाँ पर है, उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। इसलिए इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी और ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं। बहराइच में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान ये करना चाहते थे, लेकिन उसकी वहां पर घटना जरूर हुई, जाने गई और नुकसान हुआ, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देखिये भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति पे पहुंच गई है कि उन्हें अपने ही कार्यकर्ता पे एफआईआर लिखानी पड़ रही है। अभी तो एफआईआर लिखाई है, अभी आप देखना कुछ दिनों बाद ये सरकार चलेगी, कभी बंटवारे को लेकर के, कभी लूट को लेकर के, कभी पद को लेकर के, जो लखीमपुर में हुआ था कि बीजेपी के विधायक को छापड़ पड़ गया, वैसा ही होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आप देखते रहिएगा। भाजपा विकास के